टीडीएस जुपिटर की कुछ मॉडिफिकेशन की वीडियो। गाइस ये है इसके एलईडी बल्ब, ये देखो। तब गाइस मैं सिमटेक का हैजार्ड लगा रहा है जिसमें आपको 1 ईयर की गारंटी मिल जाती है। पूरा बॉडी इसका चेंज किया गया है, आप सुन रहे हैं कि ये भी पूरा चेंज किया गया है। इसका फ्रंट भी आप देख सकते हो, फ्रंट ये वाला है, आप इसका जो कार्बन फाइबर के साथ आपको मिल जाता है। तो आप इसको हम करते हैं आगे पीछे, ये देखो इस तरीके से ये फ्लेक्स हो जाता है। देखो एक गाइस मोबाइल होल्डर इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि विदाउट चार्जर है, इसमें चार्जर वाले भी आते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, ले आपके लिए कौन टॉपिक, एक नया वीडियो, नाउ वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। फाइनली गाइस मैं हाजिर हूं आपके लिए एक और नया वीडियो, एक और नया टॉपिक लेके, जिसके थोड़े सिनेमैटिक आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया, आई होप आपको पसंद आए होंगे। फाइनली गाइस आज मैं लाया आपके लिए टीबीएस जुपिटर की कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ एक्सेसरीज, जिसको देखकर आप अपनी स्कूटी में करा सकते हो इजिली। और आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर इस तरीके की मॉडिफिकेशन आप कराते हो अपनी स्कूटी में तो कैसा लुक आता है। और जितनी मॉडिफिकेशन है इसकी बॉडी को छोड़कर, क्योंकि इसकी बॉडी भी चेंज की गई है, ये आपसे मॉडिफिकेशन किसी भी स्कूटी के मॉडल पे कर सकते हो, चाहे आपके पास वो ओल्ड मॉडल हो या न्यू मॉडल हो, एंट्रोक हो, एक्टिवा हो, वर्कमैन हो या फिर कोई भी स्कूटी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो गाइस एक बार फिर से मैं ले आया हूँ आपके लिए टीडीएस जुपिटर की कुछ मॉडिफिकेशन की वीडियो। और ये जो मॉडिफिकेशन होगी ये बहुत यूजफुल मॉडिफिकेशन होने वाली है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो शुरू करता है करके आपको दिखाना। सबसे पहले इसमें ऐड किए जा रहे हैं गाइस, ये है इसके एलईडी बल्ब, यानी कि इंडिकेटर के अंदर हैलोजन बल्ब हटा के इसमें ऐड कर रहे हैं एलईडी बल्ब, ये आप देख सकते हो। और इसकी ब्राइटनेस दिखाता हूँ एक बार मैं आपको, ये देखो अभी दिन का समय है, रात के समय में आप खुद समझ सकते हो कि कितने हाई होने वाले हैं। और ये दोनों साइड से, यानी कि फ्रंट से भी और बैक से भी। इसके अलावा गाइस मैं सिमटेक का हैजार्ड लगा रहा है जिसमें आपको 1 ईयर की गारंटी मिल जाती है। और इसमें एलईडी बल्ब मैं आपको दिखा चुका हूँ, और इसके पार्ट्स बाहर निकाल रखे हैं, ये आप देख सकते हो। और इसके ना बॉडी के जो पूरा बॉडी भी इसका चेंज किया गया है, आप सुन रहे हैं कि ये भी पूरा चेंज किया गया है। इसका फ्रंट भी आप देख सकते हो, वाला पार्ट आपने देख लिया, ये वाला पार्ट भी आप देख सकते हो। और गाइस इसकी ओरिजिनल बॉडी है, आप चाहो तो इस पे स्टिकर वगैरह लगा सकते हो जो जुपिटर वगैरह के आते हैं, और आप चाहो तो सिंपल भी रख सकते हो। इसके अलावा इसमें हैंड गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, हैंड गार्ड ये वाला है, इस पे जो कार्बन फाइबर के साथ आपको मिल जाता है। और ये बहुत जबरदस्त है, विद एलईडी प्लस एडजस्टेबल, यानी कि इसको आप आगे और पीछे कर सकते हो, ये देखो आप इसको हम करते हैं आगे पीछे, ये देखो इस तरीके से ये फ्लेक्स हो जाता है। आप अपनी बाइक में लगा सकते हो और स्कूटी के किसी मॉडल में आप इंस्टॉल कर सकते हो। और ये ब्लैक में है, इसमें रेड में मिल जाएगा आपको, प्लस व्हाइट में मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास किसी और कलर का बाइक है तो उसके हिसाब से आप इस पर रैपिंग करा सकते हो। एक गाइस मोबाइल होल्डर इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि विदाउट चार्जर है, इसमें चार्जर वाले भी आते हैं। और इसके अलावा आपको बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, टीवीएस जुपिटर की, एक्सेस की, वर्कमैन की, एंटोर्क की और आपकी एक्टिवा की, तो वो भी चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी है जो कि टीवीएस जुपिटर की फुल्ली मॉडिफाइड है, मेरे चैनल पर वो भी एक बार देख लेना। आपको कर लेते हैं फाइनल और फिर आपको दिखाते हैं फाइनल पे। आप देख सकते हो जो इसके वायर हैं वो इस तरीके से खुले होते हैं और काफी जगह पर इस तरीके से ही लगा दिया जाते हैं, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्लीप लगा दी गई है, ये पाइप सा होता है, जिससे क्या आता है कि आपका जो तार है वो भी सेफ हो जाता है, प्लस पानी नहीं जाता और दिखने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखो ये प्रॉपर तरीके से इसमें काम किया जा रहा है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें और इसमें देखो कितना फर्क है, तो ये चीज बहुत जरूरी होती है, छोटा सा काम है लेकिन। और गाइस छोटे से चीज करने से क्या होता है कि आपकी जो बाइक की जो वायरिंग है ना वो लंबे समय तक चलती रहती है, प्लस कोई खराबी नहीं आती और आपके पार्ट्स भी ज्यादा खराब नहीं होते। तो गाइस इंस्टॉलेशन हो चुकी है कंप्लीट, आप देख सकते हो। और जो आपकी टीवीएस जुपिटर थी उसको काफी सारी एक्सेसरीज ऐड की गई हैं, जो लोग कम मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं पर कुछ अलग करना चाहते हैं तो वो इस तरीके की मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे मिरर, ये मिरर टीवीएस की नहीं है, ये मिरर है बुलेट के, जो कि कुछ इस तरीके का लुक दे रहे हैं दूर से, ये देख सकते हो गाइस। और यहाँ पे राजू भाई, नाम तो सुना ही होगा, किसी बाइक के किसी स्कूटी के मिरर मिल जाएंगे, यही कहना चाह रहे हैं भाई साहब, यही कहना चाह रहे हैं ना। और अब बात कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा नीचे आता हूँ, थोड़ा नीचे में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर एक हेडलाइट बल्ब इंस्टॉल किया गया, जो कि एक ऑर्डिनरी नहीं है, ये नाइट आई का है। ज्यादातर लोग इसको बहुत ज्यादा फोकस के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका फोकस बहुत जबरदस्त होता है, इनफैक्ट ज्यादातर लोग इसको कार में भी यूज कर लेते हैं, और आप बाइक में लगा सकते हो और अपनी स्कूटी में लगा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एडजस्टेबल वाले हैंडगार्ड है। एडजस्टेबल वाले हैंडगार्ड का मतलब ये होता है कि आप जिस हिसाब से चाहो उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, आपके क्लच एंड लीवर कितनी दूर है उस हिसाब से आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। अदरवाइज एक यहाँ पर नट होता है जिसको आप टाइट करके और इसको होल्ड कर सकते हो, ये आपको कार्बन फाइबर के साथ मिल जाता है, ये देख सकते हो इसकी लुक। और इस साइड से भी आप देख सकते हो,
इसके अलावा इसमें एक विदाउट चार्जर वाला मोबाइल होल्डर इंस्टॉल किया गया है। इसमें चार्जर वाला भी आता है बट ये विदाउट चार्जर है, ये देख सकते हो गाइस। और अब मैं आप दिखाता हूँ आपको इसका पूरा बॉडी, ये जो पूरा बॉडी इसका चेंज किया गया है, ये देख सकते हो गाइस आप, इसका फुल्ली बॉडी किया गया चेंज। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इसको रैप करके, इसमें किस तरीके से रैप कर सकते हैं, और अगर रैपिंग की वीडियो देखना चाहते हो। और फ्रेंड्स तो आपने देखा ये वाला पार्ट भी, इसका ऑल ओवर इसकी बॉडी जो प्रॉपर तरीके से चेंज की गई है। Yes, और इसके अलावा जो इंडिकेटर्स आप देख सकते हो इसके ऊपर स्मोक ग्रे कलर की जो रैपिंग कर रखी है उसके अंदर एलईडी बल्ब इंस्टॉल कर रखे हैं। जो एलईडी बल्ब है इसका फोकस और ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है। मैं एक बार इग्निशन ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो, क्योंकि जो हैलोजन बल्ब आता है ना उसका फोकस इतनी ब्राइटनेस नहीं होती है, तो कुछ इस केस में आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। और साथ ही में इसमें इंस्टॉल किया गया है सिमटेक का हैजार्ड, इसमें आपको 1 ईयर की गारंटी मिल जाती है, ये देखो। और इसके पैटर्न चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर स्विच मिल जाता है, और इस स्विच को आप जितनी बार ऑन ऑफ करोगे उतनी बार इसके पैटर्न हो जाते हैं चेंज, ये देख सकते हो। और अभी दिन के समय में भी आप देख लो, अभी दिन है तो फिर भी इसका फोकस और इसकी ब्राइटनेस कितनी है, और रात के समय में दिन, और रात के समय में जो फोकस और जो ब्राइटनेस होगी वो आप कुछ समझ सकते हो। जो हेडलाइट था वो आप देख सकते हो। और ये जो हैंड गार्ड है इसमें आप देख सकते हो ये ब्लैक में है, इसमें रेड में मिल जाएंगे, व्हाइट में मिल जाएंगे, और बहुत सारे कलर यहाँ पर अवेलेबल हैं, विदाउट लाइट वाले भी मिल जाते हैं। और गाइस इसके अलावा बहुत सारी एक्सेसरीज और भी हैं जो इस पे ऐड हो जाती हैं। अगर वीडियो देखना चाहते हो तो इसी चैनल के अंदर जाके आप चेक कर सकते हो, आपको बहुत सारी एक्सेसरीज की वीडियो देखने को मिल जाएंगी। इसका मैट भी यहाँ पर अवेलेबल है। एक इसकी जो है ना हेडलाइट को कर दिया कुछ अलग डिजाइन से रैप, जिसको कुछ फ्रंट से इस तरीके का लुक आ रहा है। और ये रैपिंग जो ली गई है ब्लैक में ली गई है, मैट ब्लैक में, आप ग्लॉसी में ले सकते हो, किसी और कलर में भी ले सकते हो। और साथ ही में इसमें एक नाइट आई का बल्ब इंस्टॉल कर दिया है हेडलाइट के अंदर, क्योंकि जो स्टॉक बल्ब आते हैं उसकी रोशनी नहीं होती है। और थोड़ा सा इग्निशन ऑन करके मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हो। और कुछ इस तरीके से इसमें व्यू मिलने वाला है। अभी दिन के समय में आप देख सकते हो, अदरवाइज रात के समय में एक अलग ही लेवल का इसका लुक होगा। अभी दिन में गाइस इतना विजिबल नहीं है, बाकी रात में अच्छा व्यूज है इसका, बाकी रात में बहुत अच्छा इसका व्यू आता है। अदरवाइज जो नाइट आई है वो नाम से दिखता है, सब जानते ही हैं। और ये एक्सेसरीज भी इसमें थोड़ी सी ऐड की गई थी। ऐसे तो कुछ मॉडिफिकेशन और एक्सेसरीज आपको पसंद आएगी। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमारे चैनल को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये बिल्कुल फ्री होता है गाइज, और मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी और मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया करता रहूँगा। तो मैं आपसे लेता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है शॉप पर आने के लिए कि शॉप पर कैसे आएँ।